यार ना, इतने आप खूबसूरत इंसान हो, अपनी आंखें देखो। आज के बाद नहीं कहूँगा भाई। जिंदगी ने कौन सा ऐसा जख्म दिया है कि अपने आप को तुमने तबाह कर दिया? गलत सोसाइटी में बैठने की वजह से। यहाँ पे मिलती है दवाई? दवाई तो मुझे घर में मिलती है भाई, मैं मेडिसिन खा रहा हूँ। मेडिसिन खा रहे हो किस चीज़ की? ये दवाई है वो खा रहा हूँ, दवाई है वो खा रहा हूँ। यार ना, इतने आप खूबसूरत इंसान हो, अपनी आंखें देखो, इतनी प्यारी आपकी आंखें हैं भाई। अपने आप को बर्बाद कर रहे हो यार। आज के बाद नहीं कहूँगा भाई, आज के बाद नहीं कहूँगा भाई। यार आपको तो मुझे देख के मेरा तो कलेजा फट गया है यार, इतना खूबसूरत इंसान है, अपनी हालत तुमने तबाह कर दी हुई है यार। इस नशे ने तुम्हें क्या दिया? इस नशे ने आपको क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया, बर्बाद किया ना। अपने आप को क्यों बर्बाद कर रहे हो? आप जैसे भाइयों को देख के हमें दुख होता है यार, कि आप लोग इतने खूबसूरत अपनी ज़िंदगी आपने तबाह की होती है। है? अच्छा क्या मसला है? ज़िंदगी ने कौन सा ऐसा ज़ख्म दिया है कि अपने आप को तुमने तबाह कर दिया है? कोई मसला नहीं है यार भाई, बस गलत सोसाइटी में बैठने की वजह से। गलत सोसाइटी? पढ़े लिखे हो? नहीं अनपढ़ हूँ। गलत सोसाइटी में बैठने की वजह से ये सब हो गया? लड़कों ने लगाया है? खुद ही लगे, खुद ही लगे। घर बार है? कोई माँ बाप बहन भाई हैं? माँ बाप बहुत हो गए। बहन भाई? बहन भाई हैं। भाई कितने हैं? कहाँ पे होते हैं? कहाँ पर रहते हैं? ये अफजार कैंट पे। सही है वो? तो वो नहीं रखते हैं? रखते हैं यार, मैं क्या था ये सियालकोट पे मामे के साथ दो दिन के लिए, वैसे रहने के लिए। मैं कहा था कि ये चलो ये कामों से मेरा दिल सबर हो जाएगा। वो वहाँ पे मेरा दिल नहीं लगा, तो मैं कल का आया हूँ, तो कल का आके तो मैं यहाँ पे लेट गया। यहाँ पे ठीक है सब? नहीं अभी मैं जा रहा हूँ घर। यहाँ पे मिलती है दवाई इसीलिए? नहीं दवाई तो मुझे घर में मिलती है भाई, दवाई तो मुझे घर में मिलती है, हर चीज़ मुझे घर में मिलती है, खाना पीना हर चीज़, कपड़ा हर चीज घर में मिलती है, यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? अब नशा छोड़ोगे? हाँ नशे का ऊंचा बोलो, नशा छोड़ दोगे? हाँ इंशाल्लाह, उम्मीद बहुत है। अपने घर जाओ। अच्छा ये टांग पे क्या हुआ था? एक टांग तुम्हारी कटी हुई है। ये मुझे सामने काटा, सामने काटा था मुझे। यहाँ पे एक बंदे ने बताया कि नशे की वजह से हुआ, टीका गलत लग गया। नहीं अब सांप का तो बहाना बना रहे हो। नहीं बता दो सही कोई बात। नहीं 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 सामने काटा। कहाँ पे काटा था? यहाँ। तो यहाँ पे काटा था तो यहाँ से टांग सारी कट गई? कैंसर हो गया था, जहर फैल गया था, गर्मियाँ थी। कब कटी है टांग? ये 7 साल हो गए। 7 साल? बहरहाल यार अपनी हालत देखो, बड़े खूबसूरत जवान हो, हैं खूबसूरत है ना उस्ताद जी? खूबसूरत हो यार, अपने हाल, अपनी आँखें बड़ी प्यारी आपकी आँखें हैं, अपने आप को ना बर्बाद करो। हैं आवाम को देख के वहाँ पे कहोगे मैं नशा छोड़ दूंगा? ठीक है नशा छोड़ूंगा, वादा करो आवाम से। ठीक है भाई मैं नशा छोड़ूंगा भाई। अच्छा नाजरीन ये कंडीशन है, एक टांग इसकी कट गई है, कह रहा है कि सांप ने काटा था और मेरी टांग कट गई है, और बड़ी माशाल्लाह खूबसूरत आंखों वाला नौजवान है, 30-32 साल इसकी एज है। नौजवानों ने बेसिकली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना होता है पूरी दुनिया में, और जब वो इस तरह के हालत में होते हैं, जब नशे की लत पे लग जाते हैं, पाउडर चर्स और टीकों पे लग जाते हैं, तो वो अपने आप को भी संभाल नहीं पाते। पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना तो बहुत दूर की बात है। तो से नो टू ड्रग्स, नशा और चीज़ें मत लें, सिगरेट चर्स हर तरह का जो नशा जो आपको डैमेज करता है उससे बिल्कुल परहेज़ करें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, और देखते रहें उर्दू वायरल। अल्लाह निगहबान।